इस बुलेटिन के पेश करता है काका जी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव मोती गली चौमहल्ला पैलेस रोड हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं हूं खलील फरहाद। बीबीएन चैनल के न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। तेलंगाना भर में सियासी गर्मी बढ़ाने वाले हुजूराबाद बाय इलेक्शन का थम गया शोर। आज डाले गए वोट, माजूर ज़ईफ़ अफराद ने भी बढ़ चढ़ कर लिया पोलिंग में हिस्सा। 2 नवंबर को होगी वोटों की गिनती। हुजूराबाद बाय इलेक्शन के दौरान दिखाई दिए ड्रामाई मनाजिर, खातून वोटर्स ने दर्ज कराया अनोखा एहतजाज। वोट डालने से पहले गैस सिलेंडर्स को किया नमस्कार, तस्वीरें हुई वायरल। हुजूराबाद में वोटिंग के दौरान टीआरएस लीडरों को करना पड़ा आवाम के गुस्से का सामना। कौशिक रेड्डी को जबरदस्ती पोलिंग बूथ से बाहर निकाला गया, जबकि मदासु श्रीनिवास पर वोटरों को लुभाने का इल्जाम लगाते हुए गांव में दाखिला ही नहीं दिया गया। इटला राजेंद्र ने वोट डालकर मीडिया से की बात, कहा कि केसीआर मुझे असेंबली में नहीं देखना चाहते। हुजूराबाद में पैसों और शराब को पानी की तरह बहाने का टीआरएस पर लगाया इल्जाम। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की सदर वाईएस शर्मिला की सीएम केसीआर पर तनकीदी हमले जारी। अब वीडियो जारी करके केसीआर पर आवाम बिलखसूस किसानों, गरीबों और बुजुर्ग अफराद को धोखा देने का लगाया इल्जाम। हैदराबाद के मशहूर नीलोफर अस्पताल के डॉक्टरों और वार्ड बॉय की लापरवाही ने ली एक और मासूम की जान। अस्पताल में इंसाफ के लिए रिश्तेदारों का हंगामा, अहमद पाशा कादरी ने दर्ज कराया एहतजाज। तमाम खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का किया मुतालबा। तेलंगाना के हल्के असम्बली हुजूराबाद में आज 30 अक्टूबर बरोज़ हफ्ता बाई इलेक्शन के लिए वोटिंग हुई। माजूर ज़ईफ़ अफराद ने भी आज की पोलिंग में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। ये इलेक्शन टीआरएस और बीजेपी उम्मीदवारों के दरमियान कड़ा मुकाबला माना जा रहा है। आज की वोटिंग के बाद अब टीआरएस और बीजेपी उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला 2 नवम्बर को होगा, जब वोटों की गिनती की जाएगी। इससे पहले आज की पोलिंग के लिए तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई थी। इलेक्शन हुकाम ने बताया था कि पोलिंग के इनका के लिए जुमला 306 पोलिंग स्टेशन बनाए जा रहे हैं, जहां 2,37,036 वोटर्स अपना वोट डालेंगे। 306 पोलिंग स्टेशन में 306 कंट्रोल यूनिट्स के साथ साथ 612 बेल्ट यूनिट्स और 306 वीवीपैट लगाए गए। वोटर्स को पोलिंग बूथ में मोबाइल फोन ले जाने की इजाज़त नहीं दी गई थी, जबकि पोलिंग के पूरा मन इनका के लिए इंतजामिया और महकमा पुलिस की जानब से काफ़ी सख्त बंदोबस्त किया गया था। Going well, smoothly, and around 10.5% has already crossed, and up to 7 p.m. is there. I hope we'll reach more than good percentage. But for the kind of education efforts that you took up, creating voter awareness, do you expect it to increase much more? More turnout, as more than a parliament definitely, but as equal to a last assembly. We're expecting. Okay. And how has it been so far, insofar as the law and order situation? There is no serious incident. One or two small scuffle happened. That anyway, our paramilitary forces are sort of. तेलंगाना के हल्के हुजूराबाद के ज़िमनी इंतखाब के मौके पर पकवान गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ बास खातून वोटर्स ने अनोखा एहतजाज किया। इन खवातीन ने वोट का इस्तेमाल करने से पहले अपने घरों के गैस सिलेंडर्स को नमस्कार किया। उनकी ये तस्वीर सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म्स पर तेज़ी के साथ वायरल हो गई। हुजूराबाद इलेक्शन के दौरान कई ड्रामाई मनाजिर देखने को मिले। टीआरएस के दो कायदीन कौशिक रेड्डी और मदासु श्रीनिवास को अवामी बरहमी का सामना करना पड़ा। जानते हैं तफसील इस रिपोर्ट में। तेलंगाना के हुजूराबाद असेंबली हल्के के जिमनी इंतखाब के दौरान टीआरएस लीडर को अवामी गुस्से का सामना करना पड़ा। दरअसल टीआरएस लीडर कौशिक रेड्डी हुजूराबाद के बीनाबंका मंडल के गनमोकला गाँव के एक पोलिंग सेंटर पर पोलिंग के अमल का जायजा लेने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान पोलिंग सेंटर पर मौजूद मुकामी अवाम ने उन्हें अंदर जाने से रोका। इस मौके पर बहस तकरार बढ़ती गई और फिर मुकामी अवाम ने एहतजाज किया और उनके खिलाफ शदीद नारेबाजी की। इसके बाद चंद अफराद ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया। इतना ही नहीं, जब कौशिक रेड्डी पोलिंग स्टेशन से बाहर निकल रहे थे, तब उनके पीछे एहतजाजी अफराद नारे लगाते हुए चलते दिखाई दिए। Thank you.
हुजूराबाद बाईपोल इलेक्शन के दौरान एक और टीआरएस लीडर एम श्रीनिवास को अवाम ने जबरदस्ती गांव से बाहर निकाल दिया। तफसीलात के मुताबिक हुजूराबाद के एक गांव में दाखिल हो रहे टीआरएस लीडर और गजवेल मार्केट चेयरमैन मादासु श्रीनिवास को गांव वालों ने रोक दिया और उनके साथ बहस तकरार की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर एक यूजर कृष्णमूर्ति ने एक वीडियो शेयर करते हुए इस बारे में मजीद लिखा है कि गांव ने टीआरएस लीडर पर इल्जाम लगाया है कि उन्होंने गांव के वोटर्स को लुभाने की कोशिश की थी। बीजेपी लीडर और हुजूराबाद असेंबली इलेक्शन में बीजेपी उम्मीदवार इटेला राजेंद्र ने आज अपना वोट डाला। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए इटेला राजेंद्र ने दावा किया कि सीएम केसीआर उन्हें असेंबली में देखना नहीं चाहते। कमलापुर में अपने वोट का इस्तेमाल करने के बाद मीडिया से इटेला राजेंद्र ने बात की। उन्होंने दावा किया कि हुजूराबाद में पैसों और शराब को इतना बहाया गया जिसकी कोई हद नहीं थी। कई 100 करोड़ रुपये वोटरों के दरमियान टीआरएस ने तकसीम किया। कई जगह वोटरों ने उन्हें पैसे न मिलने की शिकायत करते हुए धरना भी दिया, जो जाहिर करता है कि हल्के असेंबली में कितना पैसा बहाया गया है। हुजूराबाद जो यावत तेलंगाना उत्कंठ गुशी हुजूराबाद प्रजानीका संघीभाव प्रकट दुबाई अमेरिका बुंबाई हैदराबाद चुक बिडल उद्योग हुजूराबाद जो प्रजल की भरोसा प्रयत्न इटकेल की ఈ రోజు వాళ్ళ ఆత్మను ఆవిష్కరించి వాళ్ళ గుండెల్లో గుడి కట్టుకున్న బాధను ఆవేశాన్ని వాళ్ళ గుండెల్లో గుడి కట్టుకున్నటువంటి ప్రేమని ఈ రోజు ఓట రూపంలో ఆవిష్కరించి చేస్తున్నట్టు కనబడతా ఉంది। 7 గంటలకే ఎక్కడికక్కడ నేను కందుకుల रियासती तेलंगाना में बेरोजगारी को अहम मुद्दा बनाकर टीआरएस हुकूमत के खिलाफ मोर्चा खोलने वाली वाईएसआर तेलंगाना पार्टी के सदर वाईएस शर्मिला ने फिर एक मरतबा केसीआर ज़ेर क़यादत टीआरएस हुकूमत पर शदीद तनकीद की है। वाईएसआर शर्मिला ने अपना एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने अवाम बिलखसूस किसानों गरीबों और बुजुर्ग अफराद को धोखा दिया है। ఇబ్రహీంపట్నంలోనే ఉన్నాం మంచాల్ గ్రామంలో మాటా ముచ్చట జరిగింది చాలా మంది చాలా సమస్యల గురించి మాట్లాడారు కానీ అక్కడ ఒక స్ట్రైకింగ్ టాపిక్ వరి వేసుకోలేకపోతే మేము ఇంకేం వేసుకోలేము ఇక్కడ ఇక్కడ చింత చెట్లు ఉన్నాయమ్మా మేము ఊరేసుకోవాలి అంతకు మించి మార్గం లేదు అని అక్కడ వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది
పోయినసారి ఇలాగే వరేసుకొని కేసీఆర్ సర్కారు కొనుగోలు చేయకపోతే రైతులు ఇక్కడ వాళ్ళ పంటని మొత్తాన్ని సర్కారుకు నిరసనగా తగలబెట్టుకోవడం జరిగింది. फ्रांस के शहर पेरिस के दौरे पर गए तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तारक रामा राव ने कहा है कि एक और कंपनी हैदराबाद में कदम रखने के लिए तैयार है. केटीआर ने पेरिस में इस कंपनी के जिम्मेदारों के साथ मुलाकात की. उन्होंने इस मुलाकात की तस्वीर को अपने सोशल मीडिया के हैंडल से पोस्ट भी किया. इस ट्विटर पोस्ट में केटीआर ने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा सरकर्दा प्लेटफॉर्म प्लग एंड प्ले टीसी हैदराबाद में अपना सेंटर कायम करेगा. इसके साथ ही उन्होंने हैदराबाद के लिए इसे गुड न्यूज करार दिया. आदिलाबाद बीजेपी एमपी स्वयं बापूराव ने ज़िले को रेलवे पटलाइन की मंजूरी पर खुशी का इजहार किया. अपनी रिहाइशगाह पर मुनाकदा एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में एमपी स्वयं बापूराव ने कहा कि वह रेलवे पटलाइन की मंजूरी के लिए आवाम की तरफ से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा करते हैं. उन्होंने वजाहत की कि पार्लियामेंट सेशन के ज़ीरो आवर के दौरान मुख्तलिफ मसाइल पर तवज्जो दिलाई गई थी, ताहम कोरोना की वजह से पटलाइन की ग्रांट में कुछ देरी हुई. बलाखिर आदिलाबाद के लिए रेलवे पटलाइन की मंजूरी अमल में लाई गई है. इस मंजूरी के बाद इम्कान है कि आदिलाबाद से मुख्तलिफ मकामात के लिए बहुत सी ट्रेनों का आगाज़ होगा. इस मौके पर बीजेपी की रियासती एग्जीक्यूटिव मेंबर सुहासिनी रेड्डी, कायदीन रमेश राठौर, पायल शरत ने रुकन पार्लियामेंट स्वयं बापूराव को एजाज से नवाजा. కారణమేంటంటే గత కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి కూడా ఆదిలాబాద్ పట్టణ ప్రజలందరూ కూడా ఆదిలాబాద్ జిల్లాకు సంబంధించిన ప్రజలందరూ కూడా ఈ జిల్లాలో మరి ఆదిలాబాద్ టౌన్లో పిట్లైన్ కావాలని చాలా రోజుల నుంచి ప్రజలందరూ కోరిక మేరకు నేను గెలిచినప్పటి నుంచి కూడా అందరూ కూడా చాలాసార్లు మరి పిట్లైన్ కావాలని మరి అడగడం జరిగింది. దాన్ని బట్టే నేను గెలిచిన తర్వాత ఆదిలాబాద్ జిల్లాకు సంబంధించిన ఏదైనా సమస్యలు ఇప్పటి వరకు ఎవరన్నా పార్లమెంట్ సభ్యులు మాట్లాడిండు అంటే అది స్వయం బాబురావు మాట్లాడిండు అనేది చెప్పక తప్పలేదు. लगता है कि अभी तेलंगाना में मौसम बरसात ख़त्म नहीं हुआ है. दरअसल महकमा मौसमियात ने फिर एक मरतबा पेशगोई की है कि 2 और 3 नवंबर को तेलंगाना के अजला निज़ामाबाद, जगतियाल, राजन्ना सिरसिला, करीमनगर, सिद्दीपेट, संगारेड्डी, मेदक और कामारेड्डी में बाज़ मकामात पर शदीद बारिश हो सकती है. महकमा मौसमियात ने अपने बुलेटिन में मजीद कहा कि इसी अरसे के दौरान तमाम अजला के बाज़ मकामात पर हल्की त दरमियानी बारिश का इम्कान है. 1 नवंबर को भी तेलंगाना के बाज़ अजला में गरज व चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है. तेलंगाना में आवाम को तफरी की तरफ रागिब करने की गर्ज से टैंक बंड पर शुरू किए गए संडे फंडे की तरह हैदराबाद के पुराने शहर में तारीखी चारमीनार के पास भी संडे फंडे प्रोग्राम मुनक्कद किया जा रहा है. ऐसे में चारमीनार के पास मुनक्कद होने वाले इस प्रोग्राम की चंद हलकों की जानिब से मुखालफत के दरमियान स्पेशल चीफ सेक्रेटरी महकमे बल्दी नज़्म व नस्क व शहरी तरक्की अरविंद कुमार ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी कि इस संडे यानी 31 अक्टूबर को भी एक शाम चारमीनार के नाम और संडे फंडे प्रोग्राम चारमीनार के दामन में मुनक्कद किया जाएगा. हैदराबाद के हलका असम्बली कारवान के एमएलए कौसर मुहीद्दीन ने आज नानल नगर डिवीज़न की निज़ाम कॉलोनी में बॉक्स टाइप ड्रेन वर्क्स के तौसी कामों का मुआयना किया. उनके हमरा मुतालका इलाकों के कारपोरेटर्स व एमआईएम कारकुन मौजूद थे. एमएलए कौसर मुहीद्दीन ने मुतालका अहदेदारों कॉन्ट्रैक्टर्स को तौसी कामों को जल्द अज जल्द पूरा करने की हिदायत दी. बता दें कि करीब 1,25,00,000 रुपये की लागत से ये तौसी काम अंजाम दिए जा रहे हैं. बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का. ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा. ब्रेक के बाद बढ़ते हैं मज़ीद अहम खबरों की जानिब.
तेलंगाना सेक्रेटरीट के रूबरू किसानों ने जमकर एहतजाज किया, जिसकी वजह से हालात कुछ देर के लिए कशीदा हो गए थे। तब मौके पर मौजूद पुलिस ने एहतजाजी किसानों को गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। एहतजाजी किसानों ने कहा कि किला गोलकुंडा के इलाके नया किला में किसानों की 52 एकड़ लैंड है, जिस पर काश्तकारी की जाती थी। पिछले 20 साल से इस अराजी पर काश्तकारी नहीं की जा रही है, क्योंकि हैदराबाद गोल्फ क्लब ने यहाँ गोल्फ ग्राउंड तामीर किया है। एहतजाजी किसानों का यह भी कहना है कि हुकूमत तेलंगाना ने किसानों से इस लैंड के बदले मोइनाबाद में जमीन देने का वादा किया था, ताहम इस वादे को अब तक पूरा नहीं किया गया है। गोलकुंडा नया किला जनरल सेक्रेटरी इलियास अहमद खान, आज हमारा एनिवर्सरी डे था। 29 अक्टूबर 2013 को हमको पोजीशन से ज़मीन पे से हटाया गया। पुलिस प्रोटेक्शन रख के बहुत पुलिस लाए, ला के हमको पोजीशन से 29 अक्टूबर 2013 को हटाया गया। हम 8th anniversary day मनाने के लिए सेक्रेटरीट गए सुमेश कुमार साहब से मिलने के लिए, लेकिन वहाँ पर प्रोटेस्ट करे। देखिए कि हमारा लैंड के बदल लैंड देने का वादा हुआ में नया किले में 52 एकर्स 54 मेंबर्स, जिनमें ST SC है, 5 मुस्लिम्स लोग है, और जैसो आइडेंटिफाई हो गया है मन्नीगुड़ा और आपके मोइनाबाद मंडल में। सर ये 2009 में जैसो जियो पास हुआ था मन्नीगुड़े में, लेकिन वो ज़मीन कल्टीवेशन का नहीं है, हमको पसंद नहीं आई, हम बोले वो ज़मीन नहीं चाहिए। 2009 में जियो भी पास हुआ था राजशेखर रेड्डी गवर्नमेंट के दौर में। हैदराबाद ज़िला कलेक्ट्रेट पर डेवलपमेंट सोसाइटी फॉर द डेफ के जनरल सेक्रेटरी वी भारती की ज़ेर क़्यादत में माजूरीन ने माहाना पेंशन में इजाफा, शादी मुबारक, कल्याणा लक्ष्मी स्कीम की रकम को बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने और माजूरीन यानी हैंडीकैप्स के रिजर्वेशन को 5% यानी 5% से बढ़ाकर 10% करने का मुतालबा करते हुए एहतजाजी धरना दिया। इस दौरान माजूरीन की कसीर तादाद मौजूद थी। ఈ రోజు ఇంత పెద్ద ఎత్తున వికలాంగులందరూ కూడా హైదరాబాద్ కలెక్టరేట్ దగ్గర ధర్నా కార్యక్రమం నిర్వహించారు. దానికి ఈరోజు కలెక్టర్ గారు కలిసి మనకి ఎందుకు ఈ ధర్నా కార్యక్రమం ఎందుకు మాకు ఒక్క ఫోన్ చేస్తే మేము స్పందిస్తాం కదా అని చెప్పి అని అన్నారు. ఫోన్ చేస్తే స్పందించడం కాదండి, మాకు 3 సంవత్సరాల నుంచి పెండింగ్లో ఉన్న నోటిఫికేషన్ మొత్తం రిలీజ్ చేయాలి, అట్లాగే కొత్త నోటిఫికేషన్ కూడా ఫిలప్ చేయాలని చెప్పి మేము అడిగాము. వారం రోజుల్లో మాకు పాత నోటిఫికేషన్ కొత్త నోటిఫికేషన్ కూడా మాకు రిలీజ్ చేస్తామన్నారు. అందరూ అప్లికేషన్లతో రెడీగా ఉండమని చెప్పి మేము చెప్తున్నాము. వికలాంగులందరూ కూడాను ఈ 44 సంవత్సరాలు దాటిపోయి చాలామంది ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. అట్లాగే మన సీఎం గారికి కూడా కొన్ని ముఖ్యంగా తెలియపరుచుతున్నామండి. రైతు బంధు పథకాలు అన్ని వేరే రకంగా ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీ వాళ్ళందరికీ కూడా ఎన్నో రకాల పథకాలు అమలు చేశారు, అట్లాగే వికలాంగుల బంధు పథకం కూడా ఏర్పాటు చేయమని చెప్పి అడుగుతున్నాము. ముఖ్యంగా ఇది మాత్రం మాకు అమలు చేయాలండి. అంత్యోదయ కార్డులు ఇంతవరకు మాకు ఇవ్వలేదు, అంత్యోదయ కార్డులు కూడా మాకు ఇవ్వాలని చెప్పి వేడుకుంటున్నాము. 3016 రూపాయలు పెన్షన్ ఇస్తున్నారు కాదని మేము అనటం లేదండి. ఈ కరోనా సిచ్యువేషన్లో చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు వికలాంగులు, బయటకు రాలేక ఏమీ వస్తువులు కొనుక్కోలేక చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. అట్లాగే 6000 రూపాయలు పెన్షన్ పెంచాలని చెప్పి అడుగుతున్నాము. వికలాంగులు సకలాంగులు మ్యారేజ్ చేసుకుంటే మ్యారేజ్ ఇన్సెంటివ్ కింద 1 లక్ష రూపాయలు ఇస్తున్నారు, అది కాదండి, ఎవ్వరూ కూడా మ్యారేజ్ నార్మల్ వాళ్ళు మ్యారేజ్ చేసుకోవడానికి ముందుకు రావట్లేదు, అందుకని వికలాంగులు వికలాంగులే మ్యారేజ్ చేసుకుంటున్నారు. వాళ్ళకి 5 లక్షలు ప్రోత్సాహంగా ఇవ్వాలని చెప్పి అడుగుతున్నాము. అట్లాగే ఎన్నో డబుల్ బెడ్రూమ్లు కట్టిస్తున్నారు, అందులో 5% రిజర్వేషన్ మాకు ఇస్తున్నారు. అట్లా కాదండి, కొంత స్థలం మాకు ఏర్పాటు చేసి ఆ స్థలంలో వికలాంగులకు ప్రత్యేకంగా వికలాంగుల కాలనీ ఏర్పాటు చేయండి. ఇంతకుముందు ప్రభుత్వం కూడా చాలామందికి వికలాంగులు కాలనీల కింద ఏర్పాటు చేసి ఇళ్లు కట్టించిస్తున్నారు. हैदराबाद के मशहूर नीलोफर अस्पताल के डॉक्टरों पर फिर एक मरतबा लापरवाही बरतने का इल्ज़ाम लगा है। तफसीलात के मुताबिक नीलोफर अस्पताल में 3.5 साल के एक मासूम को इलाज के गर्ज से दाखिल किया गया था, ताहम दौरान इलाज बच्चे की मौत हो गई। बच्चे के रिश्तेदारों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का इल्ज़ाम लगाते हुए अस्पताल में हंगामा किया। काफ़ी देर तक अस्पताल में माहौल कशीदा रहा। मासूम बच्चे की मौत से दिल बर्दाश्त, बच्चे के रिश्तेदारों ने नीलोफर अस्पताल के डॉक्टरों पर बच्चे के इलाज के दौरान लापरवाही
लापरवाही बरतने का इल्ज़ाम लगाया और साथ ही कहा कि डॉक्टर्स अगर लापरवाही नहीं बरतते तो बच्चे की मौत ना होती। बढ़ते हंगामे के दरमियान याकूतपुरा एमएलए अहमद पाशा कादरी ने नीलोफर अस्पताल का दौरा किया और मुतासरा फैमिली से बात करते हुए ताज़ियत का इजहार किया। मीडिया से बात करते हुए एमएलए पाशा कादरी ने बताया कि इस पूरे मामले में डॉक्टरों के साथ साथ एक वार्ड बॉय की लापरवाही भी उजागर हुई है। पाशा कादरी ने इसकी मजम्मत करते हुए डॉक्टरों को अपना रवैया बदलने की तलखीन की। सुपर हॉस्पिटल में एक 3.5 साल का बच्चा सैयद खाजा जो जिनके नाना मुसाबली में रहते उन्होंने फ़ोन करके तला करके बच्चे के साथ लापरवाही की जा रही है डॉक्टरों की। बच्चा सीरियस हो गया है तो मैं फ़ोन पे डॉक्टर से बात करा बोला तो डॉक्टर बात करने तैयार नहीं, पुलिस वालों से बात करा तो पुलिस वाले बात करने तैयार नहीं। मजबूरन वो लोग चीख पुकार कर रहे रो रहे थे, मैं फौरी यहाँ पर आया आके देखा तो उस वक्त तक बच्चे का दम निकल चुका था। एक वार्ड बॉय है जो बच्चे को बगैर ऑक्सीजन के स्कैनिंग के लिए ले जा रहे थे, रास्ते में बच्चे का इंतकाल हो गया और वो वार्ड बॉय दूसरों के हवाले बॉडी करके भाग गया वहाँ से। डॉक्टरों की भी लापरवाही है, वार्ड बॉय तो बिल्कुल खुलेआम लापरवाही करा, सामने एक पेशेंट को कुछ ऑफर करे ये बच्चे को छोड़ के वो पेशेंट को अटेंड करने के लिए निकल गया, ये लोगों का बयान है। लेकिन ये वाकई कि जितनी मजम्मत की जाए कम है। हम सैयद ख्वाजा के अफराद ख़ानदान के साथ ताज़ियत करते हैं, उनके साथ गम में बराबर के शरीक है, लेकिन ये डॉक्टरों को भी चाहिए कि अपना रवैया बदले। पुलिस वालों का हिसाब ऐसा है कम अज़ कम वो मरीज़ों की मदद के लिए रहनुमाई के लिए आ रहे थे, कुछ तो हमदर्दी करना, उनके पास भी आल औलाद है, उनके पास अगर ऐसा जुल्म करते रहे तो उनके भी अल्लाह के अजाब का शिकार होंगे वो लोग। पुलिस वाले भी बात करने तैयार नहीं है, डॉक्टर भी बात करने तैयार नहीं है। ये डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से हमेशा 300 पेशेंट हैं और 3 वेंटिलेटर है, कैसा लगाना बोल के सवाल कर रहे हैं अकेले स्टाफ के लोग। मेरा यहाँ हमेशा का ये रवैया है डॉक्टरों की लापरवाही, और जहाँ भी दवाखाने हैं वहाँ लोगों के इताब से लोगों के गुस्से से बचाने के आश्रय डॉक्टरों की उनकी हिफाजत के लिए पुलिस को रखा गया। पुलिस मरीज़ों की हमदर्दी नहीं करती, मरने वालों की हमदर्दी नहीं करती, जिस पे जुल्म होता है नाइंसाफ़ी होती है जिसका इलाज बराबर नहीं होता उनके साथ पुलिस कोई मदद नहीं करती, यहाँ वही हालात है। बहरहाल इस वाक़े के सिलसिले में नक़ीबे मिलत असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिसुल के पार्लियामेंट को रिपोर्ट दी जाएगी और इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। फिलवक्त में आके यहाँ एहतजाज करने की वजह से अभी सुप्रिंट का इतला आई और DMO मैडम इतला दिए कि वो वार्ड बॉय को अभी फिलवक्त हम फौरी उसको यहाँ से सस्पेंड कर दिए नौकरी से, और दूसरे लोग आए उसके ताल्लुक से क्या कार्रवाई करना है। मलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस बच्चे की मासूम बच्चे की जो जान रायगा गई है उसके खिलाफ हम तहकीकात करेंगे, उसके ऊपर एक्शन लेंगे, जो भी कसूरवार उनको सज़ा दिलाने की कोशिश करेंगे ताकि आइंदा कोई गरीबों के साथ ऐसा इनका रवैया नहीं होना चाहिए। पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन हदूद में गुज़िश्ता दिनों मामटपल्ली सड़क पर सनसनीखेज मर्डर और नाश को जला देने की वारदात में मुलव्वस 5 मुलजमीन को पहाड़ी शरीफ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुलजमीन के कब्जे से कत्ल में इस्तेमाल शुदा हथियार, 2 बाइक, 1 ऑटो ट्राली, 4 सेलफोन्स व दीगर अशिया बरामद कर ली गई। मुलजमीन को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। LB नगर DCP सुनप्रीत सिंह ने मीडिया से बात करते हुए इस केस की मजीद जानकारी दी। हमारे पास पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन में 19 तारीख के दिन एक डेड बॉडी एक पुरानी फैक्ट्री में पड़ी है ऐसे करके इंफॉर्मेशन आया था, तो वहाँ पे जाके इन्वेस्टिगेशन हम लोगों ने स्टार्ट किया तो देखा कि वो बॉडी जो है जली हुई कंडीशन में थी और प्राइमरी देखने से ही मालूम हुआ कि वो एक मर्डर केस है। तो उसमें हम लोगों ने तहकीकात इमिडिएटली स्टार्ट कर दी और उस तहकीकात के बाद में आज 5 लोगों को उस केस में अरेस्ट किया गया है। तो बेसिकली जो मरने वाला था इसका नाम था शेख आदिल अलियास नरेश, 37 साल का था और राजेंद्र एरिया का रहने वाला था। इसमें जो एक्यूज है उसमें से जो A2 है जोया बेगम वो इसकी वाइफ है
और बाकी के जो एक्यूज हैं A1 सईद फरीद अली, A3 A4 A5 जिनके नाम मोहम्मद रियाज, शेख माविया और मोहम्मद जहीर, ये सब लोग साइदाबाद एरिया और चंद्रयान गुट्टा एरिया के रहने वाले हैं। तभी A1 है, इसके साथ में दोस्ती हो गए, इनके भी आपस में रिलेशन स्टार्ट हो गए, तो इन कारणों की वजह से इन दोनों में आपस में झगड़ा चल रहा था और अलग अलग भी इन दोनों ने रहना स्टार्ट कर दिया था। जो वाइफ है वो इधर चंद्रयान गुट्टा एरिया में रहना उसने स्टार्ट कर दिया था, और कुछ इनके पैसों का भी इशू था डिसीज़ का और A1 का, कुछ पैसे भी इनका देने का पेंडिंग था। तो ऐसा सब चलते हुए इन दोनों ने A1 और A2 जो वाइफ है दोनों ने मिलकर प्लान बनाया कि इसको ख़त्म करके रास्ते से हटा देते हैं। तो ऐसी प्लानिंग के मद्देनज़र इन लोगों ने 19 और 20 तारीख की रात को ये जो डिसीज है इसको उसकी वाइफ के थ्रू फ़ोन करवाया कि घर में आ जाए और उससे कुछ बात करनी है, और जैसे उसने आने के लिए हाँ किया ओके बोला तो जो वाइफ है उसने इमिडिएटली जो A1 है उसको खबर दी चला दी कि वो वैसे आने के लिए रेडी हो गया। तो A1 ने अपने जो तीन साथी हैं और जो कि आज के केस में A3 A4 A5 है उनको भी सबको रेडी कर लिया। तो ऐसा सब लोग रेडी होने के बाद ये जो वाइफ है उसके घर पे चले गए, और जब तक डिसीज वहाँ पे पहुँचे लोग सारे पहले ही वहाँ पे मौजूद थे, और वहाँ पे उसके घर पे पहुँचने के बाद में लोगों में थोड़ा झगड़ा हुआ और आपस में, और उसके बाद से मर्डर कर लिया। मर्डर करने के बाद में जो वाइफ है वाइफ को इन लोगों ने एक ओवर के साथ में बाहर कहीं खेल दिया, और ये जो बाकी के जो लोग हैं ये लोग गाड़ी लेके आए जो कि एक्यूज A1 की है, वो ऑटो गाड़ी है, उस ऑटो में इन लोगों ने बॉडी को डाल दिया, और वैसे ही लोग कुछ पेट्रोल भी लेकर आए और वहाँ से बॉडी को ले जाके पहाड़ी स्ट्रीट एरिया में जो फैक्ट्री है वहाँ पे इन्होंने बॉडी को डंप करके उसको जला दिया ताकि पूरा एविडेंस खत्म हो जाए। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर चेकिंग के दौरान पुलिस के हाथ मुसाफिरों का ध्यान भटकाकर चोरियां करने और मोबाइल फ़ोन छीनने वाले एक चोर को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने गिरफ्तार शख्स की शनाख्त महाराष्ट्र के शोलापुर टाउन के श्रीनिवास के तौर पर की है। मीडिया से बात करते हुए इस बारे में मजीद जानकारी दी गई। ఏడీజే గారి పర్యవేక్షణలో వదిలి పెట్టగా మాకు కొద్దిగా లింక్ దొరికింది. ఇతను మహారాష్ట్రకు చెందిన శ్రీనివాస్ దశరథ్ సర్పంచ్. ఇతను 33 సంవత్సరాలు తండ్రి లేడు, తల్లి ఉన్నది, లవర్స్గా తిరుగుతుంటాడు. తిరుగుతుంటూ మన సికింద్రాబాద్ నాంపల్లి ఈ ఏరియాలో దొంగతనాలకు అలవాటు అయిపోయింది. అయితే వీడి దగ్గర మనకు 80 గ్రాముల ఒక కేసులో దొరికింది, ఇంకో కేసులో 40 గ్రాములు గోల్డ్ దొరికింది, మరియు 80 గ్రాములలో 1 లాక్ క్యాష్ కూడా రికవరీ చేశాను. మా దగ్గర 3 సెల్ ఫోన్లు రికవరీ అయింది, 3 సెల్ ఫోన్లలో ఒకటి నాంపల్లి ఏరియాలో ఒక సెల్ ఫోన్ రికవరీ అయింది. ఇది మొత్తం టోటల్ మీద ఇతని 3 కేసులు ఉన్నాయి. 3 కేసులు ఈయన రిమాండ్ చేశారు, ఈయన సాయంత్రం దొరికింది రిమాండ్ చేసి కోర్టు. सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर ड्रग स्मगलिंग के खिलाफ सरप्राइज चेकिंग के दौरान पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई। तेलंगाना स्टेट रेलवे ADGP S संदीप संदालिया ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि सरप्राइज चेकिंग के दौरान करीब 24 किलो का ड्राई गांजा जब्त किया गया है जिसकी कीमत 10,80,000 बताई जा रही है। इस सिलसिले में 6 अफराद को गिरफ्तार किया गया। ఇరవై 1 సంవత్సరాలు రోజున సాయంత్రం 3 గంటల ప్రాంతంలో అనుమానంగా తిరుగుతున్న మన ప్లాట్ఫామ్ వన్ వెయిటింగ్ హాల్లో ఉండగా వాళ్ళు ఒడిశా నుంచి బార్డర్ ఏరియాలో వాళ్ళ మెటీరియల్ తీసుకొని దాన్ని ఇక్కడి నుంచి ముంబై పోయి ముంబైలో ఎక్కువ రేటుకు వస్తుందనే ఉద్దేశంతో వాళ్ళు వేరే ట్రైన్ ఎక్కడానికి ఇక్కడ కోనార్క్ ఎక్స్ప్రెస్లో దిగారు. గోనార్ ఎక్స్ప్రెస్లో దిగిన తర్వాత మాకు అనుమానం వచ్చి స్పెషల్ రైడ్ చేయంగా మా డీజీ గారు రాకుండా ప్రకారం స్పెషల్ రైడ్ చేసి తనిఖీ చేయగా వీళ్ళకు దొరికింది. ఎక్కడిది బాంబు అంటే వాళ్ళు మొత్తం అక్కడ ఉన్న బాంబే అక్కడి నుంచి బాంబేలో ఒక ఇద్దరు ఉంటారు, దీంట్లో డీటెయిల్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళ పేర్లని. ఆనంద్ మాలిక్, మీర్ మాలిక్, రాజు మాలిక్,
అఖ్యమాల్ ఈ నలుగురు మరియు హైదర్ షేక్, మస్తాన్ రంజాన్ షేక్ వీళ్ళిద్దరు వీళ్ళిద్దరు ముంబై వాళ్ళు. ఈ నలుగురు ఒరిసా వాళ్ళు తీసుకొచ్చి వీళ్లకు హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తే ఇక్కడ నుంచి తీసుకొని వాళ్ళు ముంబై పోవడానికి వాళ్ళ ప్లాన్లో ఉండి వాళ్ళని పట్టుకొని ఆరుగురిని రిమైండ్ చేయడం జరిగింది. कमिश्नर टास्क फोर्स साउथ जोन टीम और कामाटीपुरा पुलिस ने कालापत्थर पुलिस के साथ मिलकर मुश्तरका कार्रवाई करते हुए 6 सट्टा ऑर्गेनाइजर्स को हिरासत में लिया. इन अफराद के कब्जे से 35,000 रुपये कैश जब्त किए गए. गिरफ्तार अफराद में से 4 अफराद कामाटीपुरा पीएस लिमिट्स जबकि 2 अफराद कालापत्थर पीएस लिमिट्स के बताए गए हैं. तेलंगाना के ज़िला निज़ामाबाद के बोधन टाउन में 31 अक्टूबर बरोज़ इतवार को अज़ीमो शान जलसे सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नातिया मुशायरे का इनेकाद किया गया है. इस जलसे की सदारत हज़रत मौलाना मुफ्ती गयासुद्दीन कासमी सदर जमीयत उलमा तेलंगाना व आंध्र करेंगे. बोधन के शाहीन बाग ग्राउंड में मुनक़दा इस जलसे की तैयारियाँ मुकम्मल हो गई हैं. ऐसे में जलसे के मुंतज़मीन व दीगर ज़िम्मेदारान ने मीडिया से बात करते हुए इस बारे में मज़ीद जानकारी दी. अल्हम्दुलिल्लाह 31 अक्टूबर को शाहीन ग्राउंड के अंदर कुलही नातिया मुशायरा और जलसे सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो बड़े पैमाने पर इनेकाद अमल में आ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह आज उसकी तैयारियां जारी और सारी है और बड़े पैमाने पर पूरे हिंदुस्तान भर के मशहूर शुआरा इकराम नात पढ़ने वाले उलमा इकराम तशरीफ़ ला रहे हैं. आप इस ग्राउंड में देख सकते हैं कि तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह चल रही है और हमारे साथी तमाम अरकान जमीयत के अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इन्हेमाक के साथ काम अंजाम दे रहे हैं. मैं तमाम शहरियान निज़ामाबाद से बल्कि जहां तक ये आवाज़ मीडिया के ज़रिए से पहुंच रही है, मैं सबसे अपील और गुजारिश करता हूं कि 31 अक्टूबर के इस जलसे को और मुशायरे को कामयाब बनाइए. बहुत आपको फ़ायदा होगा और मुफ्ती साहब हैदराबाद से सदर मुफ्ती है दारुल हैदराबाद के वो भी तशरीफ़ ला रहे हैं और संजीदा बावकार मुशायरा इंशाअल्लाह होने जा रहा है. निज़ामाबाद की तारीख का एक बड़ा मुशायरा है नातिया. लिहाजा तमाम ही हजरात से जो मेरी आवाज़ सुन रहे हों, हम गुजारिश करते हैं जमीयत उलमा के तमाम मेंबरान कि आप हजरात ज़रूर शिरकत फरमाएं. बाद नमाज ईशा 31 अक्टूबर को शाहीन बाग में बोधन रोड पर यह जलसा हो रहा है. आप हजरात से कामयाब बनाने की गुजारिश. ज़िला कामारेड्डी तेलंगाना की सरजमीन बचकुंडा पर पहली मरतबा अज़ीमो शान नातिया मुशायरा बउनवान शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 31 अक्टूबर बरोज़ इतवार बावक्त बाद नमाज ईशा बामुकाम मदरसा दीनिया अरबिया दारुल उलूम बचकुंडा जदीद इमारत में मुनक़द किया जा रहा है, जिसमें अवामुन नास को कसीर तदाद में शिरकत की अपील की गई है. एक अज़ीमो शान तारीख साज फ़कीदुल मिसाल नातिया मुशायरा बउनवान शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनाकिद होने जा रहा है. बतौर ख़ास मैं आपको ये बता दूँ कि सरजमीन बिचकुंदा पर यह पहला मुशायरा है इस तर्ज का जो होने जा रहा है. इसके अंदर बहुत दूर दूर से मद्दाह रसूल नात खां सना खान सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ला रहे हैं. बिलखसूस जनाब तय्यब पाशा कादरी साहब हैदराबाद, हज़रत मौलाना अब्दुल क़दीर साहब तमीम निज़ामाबादी, मुफ्ती अहमद वाहिद साहब कासमी, मोहम्मद इदरीस मिसबाही जमयतुल हुफ्फाज़ जनरल सेक्रेटरी हैदराबाद, मोहम्मद कामरान अकमल भैंसा और भी दीगर शुरा इकराम तशरीफ़ ला रहे हैं. मैं इल्तमास करता हूँ सरज़मीन बिचकुंदा के मुसलमानों से और ख़ास कर अतराफ़ व अकनाफ़ बांसवाड़ा पिटलम मदनूर जूकल शाखापुर बंडर एंजल और भी दीगर कस्बात के मुसलमानों से अपील करता हूँ इस पहले मुशायरे के अंदर ज़रूर भी ज़रूर शिरकत फरमाएं. और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नज़र. तेलंगाना भर में सियासी गर्मी बढ़ाने वाले हुज़ूराबाद बाय इलेक्शन का थम गया शोर. आज डाले गए वोट माजूर ज़ईफ़ अफराद ने भी बढ़ चढ़ कर लिया पोलिंग में हिस्सा. 2 नवम्बर को होगी वोटों की गिनती. हुज़ूराबाद बाय इलेक्शन के दौरान दिखाई दिए ड्रामाई मनाजिर. कातून वोटर्स ने दर्ज कराया अनोखा एहतजाज. वोट डालने से पहले गैस सिलेंडर्स को किया नमस्कार. तस्वीरें हुई वायरल.
हुजूराबाद में वोटिंग के दौरान टीआरएस लीडरों को करना पड़ा आवाम के गुस्से का सामना। कौशिक रेड्डी को जबरदस्ती पोलिंग बूथ से बाहर निकाला गया, जबकि मदासु श्रीनिवास पर वोटरों को लुभाने का इल्जाम लगाते हुए गांव में दाखिला ही नहीं दिया गया। हिटलर राजेंद्र ने वोट डालकर मीडिया से की बात, कहा कि केसीआर मुझे असेंबली में नहीं देखना चाहते। हुजूराबाद में पैसों और शराब को पानी की तरह बहाने का टीआरएस पर लगाया इल्जाम। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की सदर वाईएस शर्मिला की सीएम केसीआर पर तनखीदी हमले जारी। अब वीडियो जारी करके केसीआर पर आवाम बिलखसूस किसानों, गरीबों और बुजुर्ग अफराद को धोखा देने का लगाया इल्जाम। हैदराबाद के मशहूर नीलोफर अस्पताल के डॉक्टरों और वार्ड बॉय की लापरवाही ने ली एक और मासूम की जान। अस्पताल में इंसाफ के लिए रिश्तेदारों का हंगामा, अहमद पाशा कादरी ने दर्ज कराया एहतजाज, तमाम खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का किया मुतालबा। बीबीएन न्यूज़ में ये थी अब तक की अहम खबरें। यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें। मज़ीद अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बीबीएन चैनल।